हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलिनियस सेंटेंसेस के एक्सरसाइज को जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कि सिंपल दिया तो कंपाउंड बनाइए, कंपाउंड है तो सिंपल बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाइए, जैसा इंडिकेटेड किया गया उसके अनुसार आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए वाक्य का, क्योंकि आप पूरा नियम पीछे के वीडियोस के अंतर्गत दे चुके हैं। अब इसमें यह है कि अधिक से अधिक एक्सरसाइज हल कर दिया जाए कि जहां नियम आपने देखा तो तत्काल में तो बातें याद रहती है, लेकिन उसके बाद वह बातें धीरे धीरे भूल जाती है। अब आपके पास ये है कि सब कुछ मिक्स हो गया तो आप कैसे बनाते हैं, दिमाग में क्या क्या बातें बचती है तो वह लिखा जाए। अब यह इसीलिए लिखा है री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस, दोबारा इन वाक्यों को लिख दीजिए। ध्यान से सुनिएगा इसलिए कि इसके आंसर नहीं लिखे हुए, आंसर बताया जाएगा। Rewrite the following sentences as indicated in the bracket. जैसा कोष्टक में निर्देशित किया गया है वैसे ही आप इन वाक्य को दोबारा लिख दीजिए। जैसे पहला he works hard and therefore he is prosperous. आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कोष्टक में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा। कहा कि उसने मेहनत किया इसीलिए वह समृद्ध है, उसने मेहनत किया इसलिए वह समृद्ध है, धनी है। क्या कॉम्प्लेक्स बनाइए, यह एंड देयर फोर देख रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इनके अलावे जब कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, सेंटेंस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को हटाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हटाइए और वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे when, where, why, who, when, there, क्या कहते हैं nevertheless, नहीं गलत हो गया, when, where, why, how, who, whom, whose, when, as soon as, no sooner than, as, since, because, इन सबों का प्रयोग कीजिए। जैसे अर्थ में ला लीजिए, अर्थ जब सेट कर देंगे और ट्रांसलेट कर देंगे तो अपने आप वो बन जाएगा। जैसे यू आर शार्ट, वह मेहनत करता है, he is prosperous, वह समृद्ध। बीच में आपने देयरफॉर लगा दिया, सेंटेंस कंपाउंड हो गया। अब इसको हटा दिया हमने, अब वाक्य दो हो गया, he works hard, full stop, he is prosperous, वह समृद्ध है। अब दोनों को जोड़ के सिंथेसिस में चले जाइए तो आप ऐसे कह सकते हो चूंकि वह मेहनत करता है, चूंकि का मतलब सिंस, यह आयल पहले आएगा, कामा कर दिए इसलिए को तब यहाँ कामा ही प्रॉस्पेरस, तो उत्तर हो जाएगा सिंस ही वर्क्स हार्ड। पहले सिंस लगाई, सिंस का मतलब चूंकि, सिंस ही वर्क्स हार्ड कामा ये हटा दिया, हे प्रॉस्पेरस, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरा तरीका एज ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि वह मेहनत करता है, कामा ही प्रॉस्पेरस। तीसरा भी तरीका है, इसको उलट दीजिए, He is prosperous, वह समृद्ध है, because he works hard, क्योंकि वह मेहनत करता है। अब ऐसा कहेंगे क्यों उलट दिया, देखिए जब आप कारण प्रस्तुत करने के लिए कंजंक्शन सेंस लगाएंगे, एज लगाएंगे तो पहले लगाएंगे, ठीक वाक्य के पहले, और कारण अंग्रेजी की कंजंक्शन बिकाज लगाएंगे तो बीच में लगेंगे, तो अर्थ सेट करने के लिए वह समृद्ध है, He is prosperous because क्योंकि he works hard। Since से जोड़ा तो पहले ही since रख दिया, since he works hard कामा he is prosperous। जैसा हिंदी आपका सेट करेगा वैसे ही आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, अपने आप कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दूसरा the sun rose and we went out, यह है क्या सिंपल में बनाइए, सूरज निकल गया हम अब बाहर आ गए, तो सूरज निकला हम बाहर आ गए करा सिंपल में बना दिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज में चेंज कर दीजिए, द सन हैविंग राइजन यह कारण है या उसका परिणाम है, जब दो वाक्य में कारण होता दूसरा उसका परिणाम होता ऐसे वाक्यों को आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज से बदल दीजिए। द सन यहाँ हैविंग डाल दिया परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, द सन हैविंग राइजन कामा we went out, सूर्योदय के उदय हो जाने की वजह से हम बाहर आ गए। सेंटेंस क्रिया एक हो गई, सेंटेंस सिंपल हो गया। हियरिंग द नॉइज़ एवरीवन केम आउट कंपाउंड,
कर आवाज सुनकर, सिंपल में दिया हुआ है, आवाज सुनकर हम एवरीवन केम आउट, प्रत्येक आदमी बाहर है, करा कंपाउंड में बनाइए एवरीवन, एवरीवन को हार जाइए, करता बनाइए एवरीवन हर्ड दिन वाइज, प्रत्येक व्यक्ति ने आवाज सुना एंड केम आउट और बाहर निकल गया। एवरीवन को सब्जेक्ट बना लीजिए, एवरीवन प्रत्येक आदमी हर्ड सुना दिन वाइज एंड केम आउट और वाह आ गया, एंड से आपने जोड़ दिया, सेंटेंस कंपाउंड हो गया। नंबर चार, ही कैन नेवर सक्सीड, वह कभी सफल नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज लेजी, क्योंकि वह आलसी है, सेंटेंस कंपाउंड बनाना है, बिकॉज को हटाइए। अभी ये ठीक इसका उल्टा है, पहले वाले का उल्टा, तो बिकॉज हटा के देयरफॉर लगा दीजिए, एंड लगा दीजिए, तो करेंगे क्या, इसको आगे कीजिए, he is lazy, वो आलसी है, so इसीलिए या therefore इसीलिए, he can never succeed, he is lazy, वो आलसी है, so इसलिए कंपाउंड बनाना, तो सो लगाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे, जो भाई अर्थ में सेट करे, तो से सो लगाइए या therefore लगाइए या hence लगाइए, he is lazy, so he can never succeed। अगर आप कहते हैं सीधे तो बस विकार को हटाइए, फार डाल दीजिए, फार का मतलब होता है इसलिए कि, तो उत्तर ऐसे हो जाएगा, ही कैन नेवर सक्सीड फार एज लेजी, इसलिए कि वह आलसी है, ये भी उत्तर ठीक। नंबर पांच, ही टोल्ड मी ए स्टोरी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, उसने मुझे एक कहानी सुनाई बहुत रुचिकर थी, क्या सिंपल है, यही स्टोरी की बात करें, ही टोल्ड मी ए स्टोरी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग को जो बहुत रुचि करती, इसको शॉर्ट कर दीजिए, तो हिंदी में ऐसे कही, उसने मुझे बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनाई, क्रिया एक हो गई, उसने मुझको, पहले था उसने मुझे एक कहानी सुनाई जो बहुत मनोरंजक थी, सिंपल में क्रिया एक करनी है, तो आप यह कहिए कि उसने मुझे बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनाई, ही टोल्ड मी ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। छठवां, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, अमीर होने के बावजूद वह प्रसन्न नहीं है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में बनाना है, आल्दो से करते, जब इन स्पाइट ऑफ आएगा तो कॉम्प्लेक्स बनाने की आल्दो आएगा, या दो Although he is rich, यद्यपि वह अमीर है, कामा he is not happy, although he is rich, कामा he is not happy, हो गया सेंटेंस काम। सातवां, everyone loves him, हर आदमी उससे प्रेम करता है, by his simple nature, उसके साधारण स्वभाव के लिए कंपाउंड, अब क्या करेंगे, उलट दीजिए, he has simple nature, उसका स्वभाव सामान्य है, ही हैज सिंपल नेचर, सो इसीलिए एवरीवन लव्स हिम, हर आदमी उससे प्रेम करता है, ही हैज सिंपल नेचर, कामा सो एवरीवन लव्स हिम। आठवां, रामदेव इज अनहैप्पी बिकॉज ही हैज ए वेरी लार्ज फैमिली कंपाउंड, रामदेव अप्रसन्न है, दुखी है, क्योंकि उसका बहुत लंबा परिवार है, उलट दीजिए भी काया है, तो यहां रामदीन डालिए, रामदीन है ये वेरी लार्ज फैमिली, ठीक, एंड सो इसीलिए, केवल सो भी डालिए, सो ही इज अनहैप्पी, रामदीन है ये वेरी लार्ज फैमिली, रामदीन के पास लंबा परिवार है, इसलिए वह बहुत दुखी है, देयरफॉर ही इज अनहैप्पी। और अगर आप सीधे डालना चाहते हैं तो बस बिकाज हटाइए और अफवाह डाल दीजिए, हो गया, रामदीन इज अनहैप्पी फार इसलिए कि ही हैज ए वेरी लार्ज फैमिली। नंबर नौ, ही लिव एन एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ, वो फिजूल खर्ची का जीवन व्यतीत करता है, एंड सून बिकेम पुअर, जल्दी गरीब हो गया, उसने फिजूल खर्ची का जीवन बिताया और जल्दी गरीब हो गया, बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स में बनाना है, बिकाज लगा दीजिए, इस एंड को हटाइए और शुरू में सिंस या एज लगा दीजिए, चूंकि सिंस ही लिव्ड एन एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ कॉमा ही बिकेम पुअर, ही सून बिकेम पुअर,
सिंस चूंकि ही लिव्ड एन एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ सो ही सून बीकेम पुअर, इसीलिए सो को हटा देंगे एंड हटा दिया, ही सून बीकेम वेरी पुअर, चूंकि उसने फिजूल खर्ची का जीवन बिताया इसलिए वो गरीब हो गया। अब इसलिए अंग्रेजी नहीं लिखते, इंग्लिश में दो कंजंक्शन नहीं लगता, जहां इसलिए कर्म और काम का प्रयोग करेंगे। द चाइल्ड लास्ट हिज टॉय, बच्चे ने अपना खिलौना खो दिया एंड बिगन टू क्राई, रोने लगा, या क्या सिंपल, तो खिलौना खोकर, हैविंग लास्ट हिज टॉय, हैविंग लास्ट हिज टॉय, खिलौना खोकर द चाइल्ड बिगन टू क्राई, हैविंग लास्ट हिज टॉय द चाइल्ड बिगन टू क्राई, इज टू टायर्ड टू प्ले, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, टू को हटाइए सो डाल दीजिए, और इस टू को हटाकर दैट से जोड़िए और इसके अनुसार सब्जेक्ट बना के प्रेजेंट टेंस में, तो कैन नॉट डाल लीजिए, दे इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले, वो इतना थका है कि खेल नहीं सकता, इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले, यू मस्ट एडमिट योर मिस्टेक टू बी पार्डन, तुम्हें क्षमा होने के लिए अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, क्या है कॉम्प्लेक्स में बनाइए, इफ यू एडमिट योर मिस्टेक, अगर तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यू विल बी पार्डन, तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, इफ यू एडमिट योर मिस्टेक, अगर आपने अपनी गलती स्वीकार की, कम यू विल बी पार्डन, इफ यू डोंट मेंड योर वेज यू विल बी यू विल हैव टू रिपेंट, तुम्हें पछताना पड़ेगा कंपाउंड। अब यहां कर दीजिए, मेंड योर वेज, अपना रास्ता सुधारो, अदरवाइज अन्यथा यू विल हैव टू रिपेंट, सीधे मेंड योर वेज, अपने रास्ते को सुधार लो, ठीक, एंड अदरवाइज अन्यथा यू विल हैव टू रिपेंट, अन्यथा पछताना पड़ेगा, कंपाउंड हो गया। इट सीम्स दैट ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, लगता है कि वह बुद्धिमान आदमी है, सिंपल सेंटेंस, इट सीम्स लगता है कि, तो क्या होगा, ही सीम्स, यह है ना, तो ही सीम्स टू बी एन इंटेलिजेंट मैन, ही सीम्स वो प्रतीत होता है टू बी एन इंटेलिजेंट मैन। लास्ट पंद्रहवा, ही वर्कड सो हार्ड दैट ही फेल्ट मच टायर्ड, उसने इतना मेहनत किया कि अधिक थका हुआ महसूस किया, कंपाउंड सेंटेंस, अब कंपाउंड बनाना है, ही फेल्ट मच टायर्ड, आगे कर दीजिए, ही फेल्ट मच टायर्ड, नहीं रुकिए, कंपाउंड है ना, तो वैसे ही ही वर्क वेरी हार्ड, सो को हटा दीजिए, ही वर्क वेरी हार्ड, और दैट को हटा के लिखिए सो ही फेल्ट मच टायर्ड, सो के जगह वेरी डाल दीजिए, ही वर्क वेरी हार्ड, कॉमा ही फेल्ट मच टायर्ड, करेक्ट।